वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र कौर आजाद। और हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे फिट्स वगैरह में, लिमिट्स एंड फिट में। अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चन, वो सब बड़े बड़े क्वेश्चन थे, कन्वेंशनल में पूछे जा सकते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव में भी गेट पूछा ही है। तो देखिए, रिकमेंडेड सिलेक्शन ऑफ फिट की कब क्लियरेंस फिट रहेगा तो कौन सा यूज होगा। तो देखिए, इसको याद कीजिए, ये याद करना है आपको, ये कभी भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ये सीमित तो पूछता ही रहता है बार बार। तो देखिए, आपका ये जो रेंज है वो आपका है, वो देखिए आपको अगर क्लियरेंस भाई बाकी अगर कुछ भी रहा, एज के साथ नहीं रहा, रिकमेंडेड है ये, तो एज के साथ नहीं रहा, और अगर वो कोई और के साथ रहा, एज 8 रहा, एज 7 नहीं रहा, एज 8 रहा, एज 9 रहा, या एज 11 रहा, तो आप लोग उसे कह देना कि वो क्लियरेंस फिट है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वो क्लियरेंस फिट है, चाहे सॉफ्ट कुछ भी रहे, वो क्लियरेंस फिट है। अगर वो आपका एज 7 रहा, तब आपको सोचने की ज़रूरत है, तब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यदि के और आपका के और एन है, 6 के साथ है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा ट्रांजिशन फिट। और यदि पी और एस चला गया, बहुत दूर चला गया, जेड के करीब चला गया, तो वो इंटरफेरेंस फिट होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, पी और एस जो कि एकदम पी और एस याद रखना, पुलिस वाला पी, सुपरिटेंडेंट पुलिस, एसपी वाला पी और एस, एसपी वाला पी और एस जब रहेगा तो इंटरफेरेंस फिट होगा, और रहेगा किसके साथ, एच 7 के साथ ही, ये साफ्ट रहेगा, ये होल है, ये साफ्ट है, तो ये आपका रहेगा, तो आपका इंटरफेरेंस फिट होगा। जबकि के एन जाएगा बेचारा सीधा साधा के एन, तब आपका आ जाएगा कौन सा फिट, आपका इंटरफेरेंस फिट। जैसे कि एच 7 और एच 6 जो है, ये देखिए ये क्लियरेंस फिट है, एच 7 और एच 6 ये आपका क्लियरेंस फिट बनाएगा इन दोनों को मिलाएंगे तो। और ये एच के ऊपर चला गया, तो एच के ऊपर जहाँ चला गया वो सब क्लियरेंस फिट है, चाहे वो सॉफ्ट एच, सॉफ्ट अगर एच से ऊपर चला गया, सॉफ्ट एच से ऊपर चला गया तो वो क्लियरेंस फिट दे देगा। तो ये आप इस तरह से याद रखेंगे, इसको क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। जैसे कि ये पूछ द फिट ऑन अ होल सॉफ्ट सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय एच 7 एच 6 द फिट इज, देखिए मैंने कहा था एच 7 के साथ आपका है, ये किसका, एच 7 के साथ है, तो आपको एस पी वाला, देखो एस पी है, एस है, तो ये क्या होगा, इंटरफेरेंस फोर्स फिट। तो ये तरह से क्वेश्चन ढेरों आते रहे हैं, आप खुद से कीजिए, ढेरों क्वेश्चन आते रहे हैं, मैंने लिखा भी है कि आपका अगर एस पी रहे तो इंटरफेरेंस फिट होगा, के एन रहे तो ट्रांजिशन फिट होगा। तो ये है, जब सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं, अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, सिलेक्टिव असेंबली। सबसे पहले ये जान लो कि ये इसी में है या गेट में नहीं है। तो सिलेक्टिव असेंबली क्या होता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे हम लोग, बस ये देखेंगे कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए सिलेक्टिव असेंबली हम लोग बनाते हैं। तो नंबर ऑफ ग्रुप आप जो होता है, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखिए कि नंबर ऑफ ग्रुप होता है जो प्रोसेस कैपेबिलिटी बाय टॉलरेंस, डिजायर टॉलरेंस के बराबर आपका, का रेशियो के बराबर आपका होता है। तो ये सिलेक्टिव असेंबली है। देखिए, ऑल द पार्ट्स होल एंड शार्ट प्रोड्यूस आर मेजर्ड एंड ग्रेडेड इनटू अ रेंज ऑफ डायमेंशन विद इन द टॉलरेंस ग्रुप। तो ये सब आपका इंफॉर्मेशन है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरचेंजेबिलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंजेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन तो ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, आसानी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ये इंटरचेंजेबिलिटी कैन बी अचीव्ड बाई, किस तरीके से हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी को अचीव करते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन करके हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी मतलब होता है क्या कि हम इंटरचेंज, दो चीज़ें हमारा है सॉफ्ट और होल है, तो उसको हम इंटरचेंज कर सकें। एक होल हमारे पास, हमारा सॉफ्ट खराब हो गया, तो हम एक सॉफ्ट ले आए उस होल में अरेंज कर सकें, तो इंटरचेंज कर सके। इंटरचेंज हम तभी कर पाएंगे जब हमारा स्टैंडर्डाइजेशन हो, फिक्स स्टैंडर्ड हो कि भाई आप इसी डायमेंशन का बनाएं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी अब मशीनबिलिटी डिजाइन फैक्टर इज क्वालिटी क्विट क्लोज्ड क्लोजली रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइजेशन एंड इट रिलाइज थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन ही इसमें इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंजेबल तभी कहलाएगा जब वो स्टैंडर्डाइज करेंगे, जब दो जगह बनने वाला, दो अलग अलग कंपनी बन रहा है प्रोडक्ट, दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज तभी हो पाएगा जब उसका स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स हो कि भाई ये स्टैंडर्डाइजेशन, ये स्टैंडर्ड आपको बनाना है, ये स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है, तभी वो एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है। इफ़ द वेरिएशन ऑफ आइटम्स आर
within certain limits, all parts of equivalent size will be equally fit for operating in machines and mechanisms, and the meeting part will give the required fitting. तो ये सब आपकी चीजें हैं. और ये जानिए, this facility to select at random from a large number, interchangeability रहेगा, standardization रहेगा. तो आप क्या कर सकते हो, आप एक lot से अगर एक ही size का ढेर सारे product है तो उसमें से किसी को भी एक को उठा लो तो आप उसको interchange कर सकते हो. random from a large number of parts from for an assembly and result in considerable saving in cost of production, reduce assemble time, replacement and repair become very easy. तो ये आपका interchangeability का फायदा है. इसके बाद हम लोगों के पास काफी questions भी हैं जो आपको करने हैं. एक और बहुत ही important concept जिस पे gate काफी question पूछता रहता है वह है tolerance sink. तो tolerance sink क्या होता है, definition से तो कुछ पता चलने वाला नहीं है, इसके question से ही पता चलेगा. फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार डिफिनेशन के कि टॉलरेंस सिंक होता क्या है. ये एक प्रकार से हीट रिजेक्टर की तरह बिहेव करता है. सिंक अब सुने ही हो, सिंक क्या होता है, हीट रिजेक्ट जहाँ पे करते हैं वही सिंक कहलाता है. जहाँ पे हम लोग सोखता है हीट को तो वही सिंक कहलाता है. तो यहीं पर टॉलरेंस सिंक कर रहा है ये. तो देखो, अ डिजाइन इंजीनियर केप वन सेक्शन ऑफ द पार्ट ब्लैंक विदाउट टॉलरेंस सो दैट प्रोडक्शन इंजीनियर कैन dump all the tolerance on the that sections which becomes most inaccurate dimension of the part. तो ये है आपका tolerance sink. देखिए tolerance sink आगे क्या है, position of sink can be changing the reference point. तो ये चीजें हैं. उसके बाद tolerance for the sink is cumulative sum of all the tolerance. जितने भी टॉलरेंस है आपका टॉलरेंस सिंक बहुत सारा ऐड हो जाएगा. तो ये थ्योरी से तो कम ही समझ में आता है, हमें तो क्वेश्चन से ही चीजें समझ आती है. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है. तो ये है आपका टॉलरेंस सिंक का, ये है आपका टॉलरेंस सिंक. इसको हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन जरूर देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता रहा है, आता रहेगा और आएगा भी, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है. ये आपके इंटेलिजेंसी पे बेस्ड है कि आप कैसे इसको, क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है पर आपके इंटेलिजेंसी पे बेस्ड है कि कैसे आप चीज़ों को समझते हैं, आप उतना दूर तक सोच पाते हैं कि नहीं पाते हैं. तो गेट ने आगे भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं, 17 में भी पूछा था. तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आज भी पूछा है, पूछ रहे हैं, पूछते रहेंगे ये लोग. देखो कितने सारे क्वेश्चन उसने पूछ रखे हैं. तो हम लोग देखेंगे ये, इसे समझेंगे कैसे ये क्वेश्चन है. तो 3 ब्लॉक है, B1, B2 और B3, 3 को ब्लॉक है जिसे आप देख रहे हैं. टू बी इंसर्टेड इन द चैनल ऑफ वृत्त S, जो S वृत्त का चैनल है एक, उसमें रखा गया है. तो मेंटेन अ मिनिमम गैप ऑफ वृत्त T इक्वल टू 0.125 mm. तो ये T है जो इतना गैप रखा गया और इसका मिनिमम साइज क्या है, 0.125 mm as shown in the figure. उसने P का वैल्यू दिया है, पी जो है यहाँ से यहाँ पी है, जो भी जो आपका B1 ब्लॉक है उसका आपका लेंथ है, जो उसका साइज है उसने प्लस माइनस करके दे रखा है कि यहाँ पे हम पी जो है को भी हम रखेंगे ब्लॉक. हम लोग एक ब्लॉक तो रखेंगे नहीं, पी जब प्लस माइनस कर दिया है तो एक रहा नहीं वो, तो कोई भी हम रखेंगे जो इस रेंज में रहेगा. और क्यू हम लोग कोई रखेंगे, जो क्यू लेंथ है B2 का लेंथ है, यहाँ पे कोई B2 ब्लॉक रखाएगा जिसका रेंज तो इस रेंज में रहेगा उसका डायमेंशन, और आर रखाएगा. इसी प्रकार से एस का जो आएगा 72.33 प्लस एक्स, वेयर ऑल द डायमेंशन आर इन एम, द टॉलरेंस एक्स का वैल्यू उसने, टॉलरेंस का वैल्यू उसने पूछा है. तो कैसे हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो यही आपका सिम की तरह बिहेव कर रहा है कि इसमें कुछ टॉलरेंस आए तो ये मेंटेन कर देती, तो ये आपको निकालना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि आपका टी मिनिमम उसने दे रखा है, तो टी मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टी मिनिमम एस में से ये सभी का मैक्सिमम वैल्यू हटा दो तो टी मिनिमम निकल के आ जाएगा. तो टी मिनिमम कितना है आपका, टी मिनिमम है 0.125, इसमें से आप एस का वैल्यू उसने दे रखा है 72.35 प्लस एक्स, इसमें से आप घटाओ आर का मैक्सिमम वैल्यू, क्यू का मैक्सिमम वैल्यू और पी का मैक्सिमम वैल्यू, सभी का घटाओ. जिसने P का मैक्सिमम वैल्यू कितना दे रखा है 8.75, और मैक्सिमम कब आएगा जब उसमें प्लस कर देंगे हम 0.08, उसमें हम लोग फिर से हम लोग क्या करना है,
क्यू का भी हम लोग वही इसी तरह से करें, 25 प्लस हम लोग उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना 0.12, तो उसे हम प्लस करके घटा दें, उसके बाद ये है उसके घटा दें। इस प्रकार से इक्वेशन जो निकलेगा उसमें से आप एक्स का वैल्यू निकाल के लाएंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा, जो डी आंसर होगा। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अ पार्ट शो इन फिगर इन मशीन टू द साइज गिवन बिलो। तो इस सारे मशीनिंग की जाती है इसकी, तो भाई पी का कुछ टॉलरेंस आता है जो इसने दे रखा है, क्यू आता है, आर आता है विद 100% कॉन्फिडेंस, तो ये आपका 100% कॉन्फिडेंस उसने दे रखा है, अच्छी बात है। उसके बाद उसने कहा है द रिजल्टेंट डायमेंशन डब्ल्यू विल हैव द स्पेसिफिकेशन, तो आपका डब्ल्यू का स्पेसिफिकेशन उसने पूछा है, उसने डब्ल्यू का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है। डब्ल्यू तो अपने आप आएगा, बीच में इधर से मशीनिंग की गई, इधर से मशीनिंग की गई, इसको छोड़ दिया गया, तो इसका डायमेंशन आप खुद से बताएं ये कैसे आएगा। तो डब्ल्यू में से क्या होगा, आपका डब्ल्यू निकालना है तो पी में से आपको क्यू और आर दोनों घटाना है। तो डायमेंशन कब आएगा, जब भाई दो वैल्यू तो आएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू इसका निकाल लो, एक मिनिमम वैल्यू निकाल लो, तो इसी से आएगा। सबसे पहले तो भाई आप बेसिक साइज निकाल के लाओ, बेसिक साइज में भी भाई गड़बड़ सड़बड़ है, सबसे पहले बेसिक साइज निकाल के लाओ। 10 में से आप क्या कर लो, आप सबसे पहले देखो ऐसा क्वेश्चन है तो एक और चीज करो, देखो इसमें क्या प्लस माइनस 0.08 यानी कि अपर डेविएशन लोअर डेविएशन दोनों सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें उसने अलग दे रखा, तो सबसे पहले इसको भी हम लोग सेम कर लें कैलकुलेशन करने के लिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग कर ले प्लस माइनस 0.03, तो 4 2 6 ही है, तो आगे हम इसको 2 को एक तरफ पीछे कर दें, इसको भी थोड़ा सा इधर कर दें, तो डेविएशन आ जाएगा प्लस माइनस 0.03 के करीब। तो ये आप आर को कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में हमारा आसान हो जाए। तो देखिए हम लोगों को डब्ल्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, जब हम लोग पी का हम लोग वैल्यू ले लें, उससे पहले हम लोग बेसिक साइज निकाल लेते हैं, बेसिक साइज में तो अगर बेसिक साइज को हटा देना है, पी में से आप 35 में से 12 और 13 घटाइए, आपका 10 निकल के आ जाएगा, तो आपका 10 तो बेसिक साइज आ गया, ये दोनों तो गया काम से। बाकी आपको आपको टॉलरेंस निकालना है, तो टॉलरेंस में भाई जो मैक्सिमम टॉलरेंस आएगा मैक्सिमम से इसके, तो आप लोग क्या कर लें, मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका 0.088 का है, उसमें से आप इसका भाई घटाना जो है वो मिनिमम घटाएंगे ना, मैक्सिमम को घटाएंगे, बट टॉलरेंस अगर मैक्सिमम निकालना है तो घटाएंगे तो मिनिमम वैल्यू को घटाएंगे, तो मिनिमम वैल्यू को घटाएंगे तो मिनिमम वैल्यू उसका माइनस जीरो पॉइंट टू घटाना है तो कितना आ जाएगा, वो +0.2 हो जाएगा घटाएंगे तो, और ये यहाँ पे -0.03 था उसको भी घटाएंगे तो +0.03 हो जाएगा, तो 0.03 और ये आपका प्लस करना है 0.2, तो 8 5 कितना हो गया आप, तो 13 आ जाएगा आपका 0.13 mm, तो वो आ जाएगा। पर एक चीज़ हम लोगों ने गलत कर दिया है, एक हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने फिर इसको शिफ्ट किया था, हम लोगों ने टॉलरेंस उसका शिफ्ट किया था एक से नीचे, तो इसको एक से बढ़ाना हम लोग भूल गए, 13.01 हो जाएगा ये, तभी तो हम लोग शिफ्ट कर पाएंगे। ये 13.01 उसमें अगर हम लोग प्लस माइनस 0.03 कर लें, 0.03 कर लें, तो देखो इससे भी जो वही डायमेंशन आएगा, इससे भी वही डायमेंशन आएगा, 13.01 को आप प्लस माइनस कर लो 0.03, तो देखो यहाँ से जो डायमेंशन आएगा, एक बार डायमेंशन आएगा 13.04 और एक बार आएगा आपका 12.08, और यहाँ से अगर आप 13.01 में अगर प्लस माइनस आप 0.03 करो तो वहाँ से भी आपका सेम डायमेंशन आएगा। तो हम तो यहाँ पे आप जब माइनस कर रहे थे 35 में से 12 माइनस किया, यहाँ पे 13.01 माइनस करना था, जिससे आ जाएगा आपका 99.99 आ जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा, इसमें से सही होगा, और 13 तो आ ही रहा है, 13 आपने जब अपर देखा तो आपने क्या किया, पी का अपर लिया, इसका लोअर ले लिया, पी में से घटाना है तो अपर लाना है, सबसे मैक्सिमम लाना है, तो घटाएंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू 0.8 प्लस लेंगे, -0.09 को घटाएंगे और -0.03 को घटाएंगे, तो जो जुड़ेगा और 13 लेके आएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग मिनिमम निकाल रहे हैं तो इसका हम लोग मिनिमम वैल्यू लेंगे और मिनिमम वैल्यू में इस लोगों का मैक्सिमम वैल्यू घटा लेंगे, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, -0.08 है, -0.08 में अगर घटा दें हम 0.02 भी घटा दें, और यहाँ क्या था 0.03 था उसको भी घटा दें, तो वहाँ पर भी आपका -0.13 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप लोग खुद से कीजिए, बाकी क्वेश्चन जो बच गए हैं सिंक के बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, बाकी हम लोग आगे के लेसन में देखेंगे जो मैं यदि बनाऊंगा तो
लिमिट और गेज आगे हम लोगों को देखना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।